बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर हेयर एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड आई होप जो हमने लास्ट क्लास में एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, आई होप वो आपने घर में स्टडी किया होगा। नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ साइंस एंड ओपन योर पेज नंबर 28। एनिमल्स मूव एंड फीड। एनिमल मूव भी करते हैं और वो क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स डिफरेंट मुख्तलिफ तरीकों से मूव करते हैं। दे यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज टू मूव अराउंड। और वो अपने बॉडी पार्ट्स डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। चीता कैन रन फास्टर देन एनी अदर लैंड एनिमल। क्या कह रहे हैं जी, जो चीता है वो ज़मीन पर किसी और कोई भी और जानवर से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। बर्ड्स फ्लाई विद इट्स विंग्स। अब बर्ड्स चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। अब उड़ते किस चीज़ से हैं, अपने परों से, विंग से। हॉर्स गलोप्स, देखें हॉर्स गलोप्स। Kangaroos have large, powerful legs, large feet adopted for leaping with its legs. Kangaroos की क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी powerful legs होती हैं और क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पाँव होते हैं। क्या करने के लिए कैंगरू क्या करता है, जंपिंग करता है ना, तो जंपिंग के लिए उसको बड़ी बड़ी टांगों उसकी बड़ी बड़ी टांगें हैं और बड़े बड़े पाँव हैं। स्क्विरल क्लाइम्स। स्क्विरल क्या करती है, क्लाइम करती है, ठीक है दरख्तों पे पहाड़ों पे क्या करती है, क्लाइम करती है। मंकी स्विंग्स। मंकी एक स्टेम से दरख्त की एक स्टेम से दूसरे स्टेम पे क्या करते हैं, स्विंग। जो झूला हमारा इस तरह मूव करता है, ये एक स्टेम से दूसरी स्टेम पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब सेंटीपीड, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। दीज एनिमल्स क्रॉल विद देयर लेग्स। अब ये जो एनिमल्स हैं ये कैसे मूव करते हैं, ये क्रॉल करते हैं, राइट। जैसा छोटा बेबी क्रॉल करता है ना, इस तरह ये भी क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। किस तरह, विद देयर लेग्स। दीज एनिमल मूव विद देयर फ्लिपर्स। हाँ जी, ये किसे मूव, किस तरह मूव करते हैं, बाय देयर फ्लिपर्स। फ्लिपर्स इनका बॉडी पार्ट है जिससे ये मूव करते हैं। सम एनिमल्स मूव बाय रिगलिंग देयर बॉडी एंड सम जंप्स। रिगलिंग मतलब कि जो मिट्टी में अपनी बॉडी को ना, मतलब रिंगते हैं, इस तरह रिंगते हैं, राइट। फ्रॉग जंप करता है। ईगल उड़ता है, किस तरह, अपने विंग्स से। इसी तरह पिजन। फिश स्विम्स विद देयर फिन्स। और फिश किस तरह मूव करती हैं, अपने विंग्स से मूव करती हैं, फिन्स से मूव करती हैं। एनिमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। अब क्या कहते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में यूज होता है। सम एनिमल्स आर यूज एज ट्रांसपोर्ट फॉर सच एज टांगा, कार्ट एट्सेट्रा। हम टांगा और ये कार्ट वगैरह जो होते हैं, इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं, राइट। और फिर इंसान के ऊपर बैठता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फूड ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स का खाना क्या है, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। जिस तरह हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह एनिमल्स को भी खाने के लिए खाना ज़रूरी होता है जिंदा रहने के लिए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन सर्च ऑफ फूड। और वो खाने की तलाश में हमेशा क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स सच एज ग्रास, लीव्स, बेरीज एंड फ्रूट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि ग्रास, लीव्स, बेरीज एंड फ्रूट्स। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। उनको क्या कहते हैं, प्लांट ईटर्स, पौधे खाने वाले जानवर। जैसा काउ ग्रास खाती है, स्क्विरल भी, रैबिट कैरेट खाती है, शीप ये भी ग्रास खाते हैं, राइट। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड मीट ईटर्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं, और उनको क्या कहते हैं, मीट ईटर्स, गोश्त खाने वाले। जैसा क्रोकोडाइल ये दूसरे एनिमल्स को अपना खाना बनाता है, लेपर्ड, लायन, राइट।
सम एनिमल्स ईट ग्रेन्स. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रेन्स खाते हैं. डक, जैसा ये बाजरा वगैरह हो गया, राइट. डक, हैन, स्पैरो, ये क्या खाते हैं? ग्रेन्स. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं. जैसा पोलर बियर है, ये दूसरे एनिमल्स भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है. क्रो भी ऐसा ही है, रेकून भी ऐसे ही करते हैं. राइट क्लास वन, दिस इज ऑल फॉर टुडे. अब आपने इन 29, 28 से लेके 31 जितने तक हमने पढ़ा है, अब आपने इसको घर पे क्या करना है? स्टडी करना है. राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.